केंद्र सरकार विकसित बिहार बनाने के संकल्प को साकार करेगा। चल, लगता है कि आप लोगों ने हम लोगों की मांगों को सही रूप से देखा समझा नहीं है। हम लोगों की मांग में ही निहित है कि हम लोग चाहते हैं विशेष राज्य का दर्जा मिले, और विशेष राज्य का दर्जा मिलने में दिक्कत है तो हम लोगों को विशेष पैकेज मिले, और उसके मांगने का औचित्य है कि हम लोगों ने अपने सीमित संसाधनों के बल पर इस देश के अन्य प्रदेशों से अधिक तेज गति से तरक्की की है। और हम लोग अपने संसाधन से तो पूरी तरक्की कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग गरीब रह रहे हैं। इसके लिए हम लोगों को विशेष सहायता, विशेष मदद की आवश्यकता है, जिसका प्रावधान संविधान में भी है और नीति आयोग के मैंडेट में भी है। तो हम लोग तो कह ही रहे हैं कि विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा अगर संभव नहीं है तो विशेष पैकेज मिले, विशेष मदद मिले, इसमें कौन सी अचंभे की बात होगी। बात होगी और हम लोग आशान्वित। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार को फैसला लेना चाहिए और उन्हें नीतीश कुमार तो फैसला लेके ही न एनडीए में साथ में आए हैं, और हम लोगों ने कहा न कि हम लोग आशान्वित हैं कि निश्चित रूप से केंद्र सरकार बिहार को विशेष मदद करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दे दिया है कि नेम प्लेट वाले मामले पर नेम प्लेट नहीं लगाना है। आदेश हमने देखा नहीं। एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी हो सकता है कि आदमी देखे कौन है, उस जिम्मेवारी बनती है। बाकी जो सुप्रीम का आदेश है तो मान तो है ही नहीं देश दुनिया को, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, मान्यता ही नहीं है। अच्छा, विशेष दर्जे को लेकर के केंद्र सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये संभव नहीं है। नहीं, पार्लियामेंट में बजाता लिखित सरकार ने पार्लियामेंट में लिखित, आप जानते हैं कि नेता नीतीश कुमार जी बिहार के लिए, बिहार के आवाम के लिए कदम बढ़ाते हैं, निश्चित तौर पर ऊपर वाला जगह पूरा करता है। आने वाले दिनों में पूरा विस्तार मिलेगा। आरजेडी तो कह रही है कि अब जेडीयू को फैसला लेना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। तो उनका हमको इंतजार नहीं है बोलने का, उनका जो समय रहा है वो बिहार के साथ कैसा व्यवहार रखे हैं, कैसा काम किया, आप छुपा हुआ नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि नेता नीतीश कुमार जी के बारे में आप सब लोग जानते हैं, जो 2005 के बाद जो बिहार के अंदर हर क्षेत्र में दिखाई देती है और नीतीश कुमार का देन जो विकास हुआ है, निश्चित तौर पर जो भी फैसला उन्होंने लिया है इस बिहार के सम्मान के, बिहार के विकास के लिए है, आगे भी जो लिए पूरा भी होगा। आपकी मांग थी खारिज हो गई, अब क्या करेंगे आप? हमारी मांग तो रहती ही ना, खारिज तो बहुत कुछ होता है, उसमें हमारी मांग रहती है। नेता नीतीश कुमार जैसे नेता है कि मांग को पूरा लगभग कराते हैं, होगा भी आने समय में होगा। बीजेपी कह रही है विशेष सहायता मिलेगा, विशेष राज्य का सहायता भी मिलेगा, वक्त आने पर दर्जा भी मिलता है। विशेष राज्य के दर्जे को लेकर आज केंद्र सरकार ने फिर से साफ किया है, लोकसभा में लिखित रूप से दे दिया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं। और बिहार को पहले भी विशेष अधिकार मिला है और आगे भी बिहार को विशेष अधिकार मिलेगा। नरेंद्र मोदी की सरकार ने बिहार को बहुत कुछ दिया है, और अब फिर जब बजट आएगा और देखिएगा बिहार को जो विशेष अधिकार मिला है, जो बिहार के लोगों की चिंता नरेंद्र मोदी हमेशा करते हैं, उस बार भी उनके बजट के आकार में भी बिहार को विशेष रूप से दिखेगा। आपको नहीं लगता है कि अगर इस बार जिस तरह से जेडीयू मांग कर रही थी, और जेडीयू ने कल के जो मीटिंग थी सर्वदलीय बैठक उसमें भी इस मांग को रखी थी, तो मकसद निश्चित रूप से जो अधिकार करते हैं कि लोगों को जितनी से अधिक सुविधा मिले, 8 बजे से निकल लिया नहीं बोल दी भेज देना, बिहार की योजनाओं को अधिक से ला पाए, पूरा आपको बिहार बजट कुछ नहीं बोला। लेकिन आरजेडी तो कह रही है कि तमाम केंद्रीय मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए अगर नहीं ले पाए। रिकॉर्ड नहीं कर, तो हवा में उड़ने की आदत है, कभी जमीन पर उतरे नहीं, नेतृत्व विहीन चल रहे हैं, सरकार चुनाव लड़े हार गए, हार की नैतिक जिम्मेवारी अपने कार्यकर्ताओं विधायकों को मर के चल रही है विदेश। अभी सदन चल रहा है तो जनता के मुद्दे को टिकट पर देखा है, जनता के मुद्दे को कभी सड़क पर तो देखा नहीं, पसीना बहाया नहीं,
तो अब खाली बड़े बड़े बयान भी बनने से नहीं चलेगा। जब उनको मौका मिला था कौन सा उन्होंने एक विभाग की सूद ली थी क्या? चार चार पांच पांच विभाग लेके कभी जनता की सेवा की होती तो एक एक विभाग की योजनाओं को नीचे जाके देखा होता। कभी आपने देखा कि तेजस्वी यादव को योजनाओं की समीक्षा कर रहे हो? कभी योजनाओं को देखने गए हो? जिनको जनता की चिंता होती है वो जनता के साथ खड़े होते हैं, हवा में नहीं उड़ते हैं। यानी बिहार को विशेष अधिकार मिलेगा? निश्चित रूप से बिहार को विशेष अधिकार मिलेगा। नरेंद्र मोदी के बजट में आप इसको देखेंगे चाहिए। और हम लोगों का पुराना मांग है और जदयू का भी मांग है, और जदयू अभी सरकार में है केंद्र सरकार के साथ, तो केंद्र सरकार से उनको समर्थन वापस लेना चाहिए। यदि बिहार का विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है तब हम लोग मानते हैं कि जदयू दिखावा है, कातरी कुछ है, करनी कुछ है भी। आज पार्लियामेंट में डिफ्यूज कर दिया गया इस प्रस्ताव को, कहा गया 12 में कमेटी बनी थी, कमेटी ने कहा था कि ये हो नहीं सकता, ऐसा संभव ही नहीं। आप तो देख रहे हैं जदयू का तो मांग है ही, हम लोगों का भी पुराना मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, और हम लोग इस मांग को सड़क से सदन तक उठाएंगे। सदन में भी हम लोगों का जोरदार मांग रहेगा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। अब ये तो जदयू के लोग क्लियर करें ना, जदयू के लोग को समर्थन वापस लेना चाहिए। आज मीटिंग में नीतीश कुमार ने 2025 में 225 का लक्ष्य तय किया है, किस तरह से देखते हैं? अब ये तो उनका, अब देखिए 25 में ये तो हमको लगता है ये इनका मंसूबा पूरा नहीं दिया सीएम ने मीटिंग में कि 225 में। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि 2005 के पहले जो लोग 2005 से पहले बच्चे जो जन्म लिए थे उस बच्चे को खास करके दिखाना है 2005 से पहले क्या था बिहार और अभी क्या है बिहार, तो उसके संबंध में था। और उन्होंने कहा कि जितनी काम हम लोगों ने ज़मीन पर किया है, एनडीए सरकार ने जितनी काम की है और नीतीश जी ने जितना काम किया है उसके आधार पर कम से कम मुझे इस पर पूर्ण उम्मीद है कि 220 सीट मिलेगी। क्या होगा जिस तरह से विशेष राज्य का दर्जा आप लोग डिमांड कर रहे हैं लेकिन केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं है? जनता दल यूनाइटेड ने भारत सरकार से मांग की थी कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए या विशेष पैकेज दिया जाए। बिहार एक गरीब राज्य है, बिहार जब तक विकास नहीं करेगा तब तक देश विकास नहीं करेगा। इसलिए मुझे पूर्ण उम्मीद है कि भारत की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और जो कमेटी है बनाई गई है वह जरूर विशेष पैकेज देगी और इसी सत्र में देगी। चलिए, पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।